टी20 वर्ल्ड कप से पहले ऋषभ पंत ने एक बड़ा बयान दिया है। बड़ा बयान क्या दिया है, उनसे जब ये पूछा गया एक कार्यक्रम में कि टी20 वर्ल्ड कप आ रहा है एशिया कप के बाद, उनका क्या प्लान है, टीम इंडिया की क्या तैयारी है। ऋषभ पंत ने कहा कि तैयारी बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी टीम के अंदर एक नर्वसनेस है। वो इसलिए क्योंकि जिस तरीके से भारत ने 2021 का टी20 वर्ल्ड कप खेला था, पाकिस्तान से पहली बार किसी ऐसी टूर्नामेंट में हमने हार मिली थी और लीग मैच में ही हम बाहर हो गए थे, ऐसे में टीम थोड़ा सा संभल कर चलना चाहती है। आपको याद होगा कि जब 2021 का टूर्नामेंट था, यूएई में हो रहा था, पाकिस्तान के साथ हम पहली बार हारे थे, वो भी 10 विकेट से करारी मात हमें मिली थी। उसके बाद न्यूजीलैंड के साथ भी हम मैच नहीं जीत पाए और सीरीज से, इस बड़े टूर्नामेंट से हम बाहर हो गए थे। ऐसे में सभी की उम्मीद अब ये है कि भारत की टीम पाकिस्तान से बदला लेगी, और ना सिर्फ एशिया कप में बल्कि आने वाले टी20 वर्ल्ड कप में भी। 2013 की बात है जब भारत पहली बार कोई आईसीसी टूर्नामेंट जीता था। लास्ट आईसीसी टूर्नामेंट वो था चैंपियंस ट्रॉफी। भारतीय कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी, और अब रोहित शर्मा से ये सभी उम्मीद है कि अपनी कप्तानी में 2013 के बाद, जो कि भारत नहीं जीत पाया कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट, 2013 के बाद एक टूर्नामेंट आईसीसी का वो अपने नाम करने में सफल हो पाएगा। हालांकि ऋषभ पंत के अगर इस बयान को देखें तो एक हैरानी तो होगी, क्योंकि टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी, जितने भी स्टार प्लेयर हैं, सभी अच्छे फॉर्म में हैं। चाहे रोहित शर्मा हो, चाहे केएल राहुल हो, ईशान किशन हो, सूर्य कुमार यादव हो, विराट कोहली एक ऐसा नाम है जो कि अभी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि विराट कोहली भी जल्दी अपनी उस लय को हासिल कर लेंगे जिसके लिए वो जाने जाते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि एशिया कप 2022 का सफर कैसा रहता है, और फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में होने वाला टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम किस तरीके से खेल दिखाती है।